अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अमीना शेख। तो सुबह उठे, बच्चों को स्कूल भेजी, मुहाफिज़ को ही खाली भेजना था, बड़े वाले को छोटे, दोनों छोटों की तो छुट्टी थी। तो हो गया नाश्ता वगैरह और अभी मैं बना रही हूँ खाना, चिकन का सालन। चिकन साफ़ हो गया, कांदा काट रही हूँ, आलू भी साफ़ कर दी हूँ। किचन में तो काम चालू ही है, उसके अलावा मेरे घर में और एक काम चालू है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। पहले तो इसको देखो, ये अभी तक उठी नहीं है। सलाम करो, सलाम करो, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। अभी उठी, ये सुबह है तुम्हारी। कबूतर को दाना कौन डालेगा फिर? कबूतर को दाना डाल दी मैंने सुबह में, तो आज तो उठी नहीं। कल बड़ी खुशी खुशी उठ गई थी मैं, कबूतर को दाना डालूंगी। और ये देखो क्या हो रहा है गाइस हमारे घर में, ये दिख रहा है आपको? ये एक हमारे पास में ऐसा एक चमड़ा था जो अभी इसको कट कर दिए हैं। वो क्यों कट करे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। या हमारे घर में जो चिड़िया का जो सिलसिला चालू है ना, उसमें से एक चिड़िया जो है ना, उसने बच्चे दे दिए, उसके अंडे में से एक बच्चा निकल गया है। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि वो जो जिसको बच्चा हुआ है ना, वो बेचारी चिड़िया बहुत डिस्टर्ब है। तो उसके लिए हम लोग कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा मतलब महसूस करे, अपने बच्चे को ज़रा अच्छे से ध्यान से दे सके, क्योंकि इसमें 6 चिड़िया है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा ही इसको डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं बताऊँगी कि आखिर हम लोग ये चमड़े के साथ कर क्या रहे हैं, ठीक है? मैं आगे बताऊँगी। अभी देखो इधर तो काम चालू है, ये खड़े हैं ना बीच में, ये देखिए ऐसा कुछ काम चालू है यहाँ। हाँ जोर से बोलते हैं। तो ये भी आ गया स्कूल से, बड़ी शर्म आती है उन लोगों को, पहले वो भी चाली में देखा कि कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है। तो हो गया वो भी आ गया स्कूल से और पकाना चालू है, और यहाँ का बाहर का भी रूम का ये काम चालू है। तो मैं बताती हूँ आपको इंशाल्लाह के आगे। तो गाइस मैं आपको चालू हो गया, चिल्लाना हो गया चालू। तो मैं बता रही थी आपको कि इसके अंदर जो है ना, वो चिड़िया ने ना अंडे दिए, उसमें से बच्चा भी एक निकल गया है। तो वो जब ये बेचारी अंदर रहती है और कुछ खाने के लिए बाहर आती ना, तो ये सारी चिड़िया उसको इतना परेशान करती थी ना, तो हम लोग ने क्या करे, ऐसा सेपरेट कर दिए उसको, बीच में हम लोगों ने पार्टीशन डाल दिए, ताकि ये बेचारी सुकून से रहे और अपने बच्चे को भी खाना दे और खुद भी सुकून से खाना खाए। अभी हम लोग यहाँ रख देंगे उसके लिए कुछ अलग से खाना दाना पानी, और इन लोगों के लिए भी अलग से यहाँ दाना पानी रख देंगे। तो अब है ना जरा टेंशन गया, नहीं तो वो घर से बाहर निकली कि ये तीनों उसके पास खड़े हो जाते थे। तीनों नहीं, दोनों। नहीं नहीं, वो ग्रीन वाला भी उसको सताता है और ये दो पीले वाले भी उसको सताते हैं, और इतना परेशान करते थे कि वो बाहर ही नहीं निकल पाती थी। वो बेचारी बाहर नहीं निकलेगी तो क्या खुद खाएगी और क्या बच्चे को खिलाएगी। तो इसके लिए हम लोग को मजबूरी पे इन लोगों की घर गृहस्थी पे पार्टीशन डालनी पड़ी और उसको अकेला करना पड़ा, ताकि वो अपने आपको मैं बच्चे का भी वीडियो है ना वो बताऊंगी कि उसका बच्चा कितना प्यारा है और अच्छा है, मैं वीडियो पर डालूंगी इसका इंशाल्लाह। ओ देखो पराल, देखे कितना वो है, तो ये सब चिड़िया का कार्यक्रम हुआ, अभी सब काम वाम हुआ, बच्चों का खाना वाना हुआ, और अब हम लोग निकल रहे हैं, कुछ सामान लेना है और एक से मिलना है इनको, मेरे हस्बैंड को। तो हम लोग थोड़ा बम्बई के लिए निकल रहे हैं। तो ये मेरे साथ मेरी हुनैना आ रही है और मेरा जो बीच वाला बेटा है वो आ रहा है, बड़ा वाला बेटा जो है वो ट्यूशन में है तो अभी नहीं आएगा साथ में, वो घर में रहेगा, बैठेगा घर में, मोबाइल देख लेगा, टीवी देख लेगा। तो अभी वो ट्यूशन में गया है तो मैं तो उसको ले नहीं सकती, और मेरे हस्बैंड अर्जेंट में जल्दी चलो चलो जाएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो मेरे घर का तो पानी भी नहीं आया अभी तक का, पर वो मेरा बेटा आएगा तो आके फिर वो देखेगा, अगर उस वक्त आया रहेगा पानी तो वो भर लेगा, नहीं तो फिर आज मुझे वैसे ही चलाना पड़ेगा। तो निकल चुके हैं गाइस हम लोग मुंबई के लिए, इधर जा रहे हैं हम लोग बॉम्बे में, वो प्रॉफिट मार्केट वहाँ जा रहे, कुछ काम है तो देखते हैं। क्या बोल रहे तुम? अब वो पता ही नहीं करते कि नहीं करते, तो मैं क्यों बोलूं? हुने ना, हुने ना।
अरे तुम्हारी दो चोटी तो दिखाओ। शाज़ेब क्या करने गए, हवा भराने गए? तो ये कौन सा फ्रिज है? वो फ्रीवे है ना? फ्रीवे फ्रीवे कितना अलग लग रहा है देखकर, और डर भी लग रही है मेरे को तो देखकर ही। गाइस हाँ गाइस, क्या गाइस? नीचे बैठ, ए नीचे बैठ बाबा, खिड़की खुली है उन्हें ना सर, तुम लोग मेरे को डराओ मत, खिड़की बंद कर दो, नहीं तो वही तो मैं पूरा उसको खिड़की बंद कर दे बेटा, नहीं नहीं खिड़की बंद कर दे, मेरे को डर लगता है। आधी खिड़की बंद कर, हाँ आधी बंद कर, बस बस बस। ये कितनी अच्छी बिल्डिंग है, नोबिता की स्कूल। नोबिता की स्कूल कौन सी स्कूल है नोबिता? यहाँ तो बिल्डिंगे भी बड़ी अच्छी अच्छी है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, पहाड़ अभी वो आएगा, देख टर्नर आएगा, टर्नर क्या बोलते हैं इसको, टर्नर ही बोलते हैं, टर्नर सिटी क्रॉस होते ये बोलती कुर्ला में अलबरकत। मेरे को घुमाने नहीं लेके जाते ना इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है माशाल्लाह। चलो पार्टी में ध्यान दे बेटा, ये सब स्लो देते ना, कैसा जैसा खम्बा था ना सब स्लो जाते, वो देख ऊपर कैमरा, अच्छा फिर भगाते, हाँ फिर इसके बाद सब स्लो हो गए देख ना, इसकी स्पीड देख तो फास्ट में आए थे, अब भगाएगा इसके बाद जैसा क्रॉस है ना भगाएगा, मेरा पर्स तो भी है, पैसे है ही नहीं, चालू करो वो, ये बंद कर दो, पैसा मांग रहे हैं, कहाँ पहुंचे अपन लोग, क्या क्या कर, क्या है क्या है, यहाँ से अपने को गाड़ी पकड़ने की टैक्सी, देख इसकी चोटी मेरी बच्ची की हवा में उड़ रही है, क्या बोल रहे हैं छी मुंह में, मतलब वो ऐसा ट्रेन में नहीं जा रहे बेटा, आप उन्हें खाली क्रॉस करके जा रहे, फिर वहाँ आगे जाके अपन टैक्सी पकड़ेंगे, समझा? देख इधर गार्डन भी है रे छोटा बना, अच्छा बनाया हुआ है, ये एक्सीलेटर से जाने का अपने को, मैंने बोली बराबर, एक्सीलेटर ही बोली मैंने,
हंसी उड़ाने आती है बस। क्या मराठी में नहीं बोल देने? नो मॉल आ गए मॉल। बस बस हाथ हाथ यहाँ वाले मजा आता है। हाँ सब गंदा रहता है बेटा, इतने लोगों को हाथ लगा रहता है, फिर वो भी वही हाथ से चिप्स खाएगी। तो ट्रेन स्टेशन पे आओ ना तो ऐसा लगता है कि कितनी दौड़ भाग वाली जिंदगी है यार। सच में हम लोग घर में रहते तो इतना पता नहीं चलता, बाहर आदमी लोग औरतें लोग इतनी दौड़ भाग करते हैं, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर। वो ठीक है, यहाँ पर सब अपना ही बहुत बड़ा है ना वीटी स्टेशन। वीटी स्टेशन क्या था तेरे को मालूम है क्या? पहले क्या ना क्वीन थी, क्वीन जिसका नाम था विक्टोरिया ना विक्टोरिया, ये पूरा उसका घर था। ये घर था, ये घर के अंदर स्टेशन बनाया, घर के अंदर स्टेशन बनाया, सोच उसका घर कितना बड़ा था। ये घर था उसका पूरा, मेरे को महल है उसका वीटी। क्या वो किस्मत रहेगी रानी की जो उसका ये घर था, अपन तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब्बा बोलते इतना पूरा चल के जाने का अपने को, इधर आ। अरे बाप रे इतना, नहीं तो मेरे को आज पक्का दुबला करके छोड़ देंगे। एकदम ऊपर बनी हुई है वो रानी विक्टोरिया है। तो गाइज मैं बॉम्बे जाकर आ गई और मैंने आने के टाइम का या बॉम्बे साइड का कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे भी साथ में थे और मोबाइल लेके बाहर इतना गर्दी में व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे, तो मैंने वहाँ का कुछ भी नहीं बनाई। और वैसे भी मैंने कोई ख़रीदारी नहीं करी, सिर्फ जो काम के लिए मेरे हस्बैंड गए थे ना हम लोग बस वही काम करे और आ गए। कुछ भी मतलब एक चीज़ भी हम लोग वहाँ से कुछ ख़रीदारी अभी करे नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बच्चे साथ में थे और इतनी गर्दी थी वहाँ पर, हम लोग पहुँचने पहुँचते तक शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो हम लोग ने कुछ लिए ही नहीं वहाँ से आ गए। तो अरे चीप्स वो तो तू लेगी, वो तो तू यहीं पर ही ले लेती तो बॉम्बे की क्या बात है। तो वो सब मतलब बच्चों की दोस्त चीज़ें वो तो छोड़ दो उसकी, वो लिए और हम लोग और कुछ भी ऐसा सामान नहीं लिए जो मैं आपको बता सकूं। तो ची मुँह में नहीं लेना वो। तो हम लोग आ गए थे घर पे 10:15 के लगभग आ गए थे। फिर उसके बाद में घर की साफ़ सफाई, क्योंकि मुहाफिज़ घर में ही था, फिर घर को उसको आई, उसको खाना वाना दी, इसको छोटी को खाना खिलाया उसके अब्बा ने। और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत काम था, आटा वाटा गून के रखना था क्योंकि सुबह में इन लोगों के टिफ़िन के लिए लगेगा, सुबह में मेरे हस्बैंड की भी ऑफिस है तो वो हिसाब से बाकी के सारे काम थे वो उन्हें ना उधर नहीं जाना, काम थे वो निपटाई। देखो मेरा छोटा बड़ा बेटा तो सो भी गया बेचारा, थक के कब से घर में बैठा हुआ था। तो अभी कितना बज गया, 12 बज गया है, अभी हम लोग सोने की तैयारी में हैं। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इधर आओ ना लाइक करो, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करो। क्या करो? लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो। तो गाइस मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोलो अल्लाह हाफिज़।